नमस्कार न्यूज, मैं हूं आपके साथ सोनिका सिंह। शुरुआत करते हैं खबरों की, तमाम खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। आपको सीधा उत्तराखंड लिए चलते हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी सामने आ रही है महिलाओं के लिए, खासकर दरअसल महिलाओं के लिए उत्तराखंड में बड़ी सौगात के ऐलान की गई है। उत्तराखंड में 33,000 महिलाओं के लिए खुशखबरी सामने आई है। इस वक्त की बड़ी जानकारी, महिला स्वयं सहायता समूह को भी मिलेगी सौगात। दरअसल महिला स्वयं सहायता समूह को सौगात मिलेगी। महिलाओं को आर्थिक राहत पैकेज देने की तैयारी की जा रही है उत्तराखंड सरकार की तरफ से। जल्द प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश भी दिए गए हैं। प्रस्ताव को तैयार करने के निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी तमाम महिलाओं के लिए, उत्तराखंड में 33,000 महिलाओं को बड़ी सौगात मिलने जा रही है। महिलाओं के लिए खुशखबरी सामने आ रही है। दरअसल महिला स्वयं सहायता समूह को बड़ी सौगात मिलेगी। इसके लिए जल्द से जल्द प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। आपको बता दें कि महिलाओं को आर्थिक राहत पैकेज देने की तैयारी की जा रही है। इस वक्त की बड़ी जानकारी सामने आ रही है उत्तराखंड से। उत्तराखंड सरकार महिलाओं के लिए बड़ी सौगात लेकर आई है। महिलाओं को आर्थिक राहत पैकेज देने की तैयारी की जा रही है और उसकी के साथ तमाम महिलाओं की तरफ से प्रतिक्रिया सामने आ रही है। इस वक्त खुशखबरी है उनके लिए, तो तमाम महिलाओं के चेहरे भी इस वक्त खिल उठे हैं, क्योंकि उत्तराखंड सरकार की तरफ से महिलाओं को आर्थिक राहत पैकेज देने की तैयारी की जा रही है। हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए नवीन शुक्ला। नवीन, महिलाओं के लिए बड़ी सौगात उत्तराखंड सरकार ला रही है, क्या कुछ इस सौगात में रहेगा? निश्चित तौर पर महिलाओं के लिए जा रहा है, जो स्वयं सहायता समूह है, जो छोटे छोटे समूह बनाकर महिलाएं, जो उत्तराखंड की महिलाएं हैं जो काम कर रही थी, उनको एक आर्थिक पैकेज देने की सरकार ने कवायद तेज कर दी है। इसके लिए खाका तैयार करने की बात की जा रही है। जल्द से जल्द खाका तैयार किया जाएगा, क्योंकि कोविड काल चल रहा था, कई सारे उद्योग जो व्यापार थे वह ठप पड़े हुए थे, लेकिन सरकार ने इसमें तेजी दिखाते हुए अब जो स्वयं सहायता समूह है, जो महिलाओं के समूह है, जो छोटे छोटे ग्रुप बनाकर काम करती हैं उत्तराखंड की जो महिलाएं हैं, उन्हें अब सरकार पैकेज देने जा रही है। आर्थिक पैकेज होगा, इसमें तमाम सारे जो छोटे उद्योग हैं या फिर हाथ से बने हुए उद्योग, हाथ से जो काम किए जाते हैं, हस्तशिल्प कला, इसके साथ ही तमाम सारे ऐसी चीजें हैं जिनको लेकर सरकार अब रणनीति बना रही है। और जल्द से जल्द खाका तैयार करने की बात सरकार द्वारा की जा रही है कि जो महिलाएं हैं, जो पहाड़ की महिलाएं हैं, जो पहाड़ में रह रही हैं और छोटे छोटे ग्रुप बनाकर कार्य कर रही हैं, उनको अब जल्द से जल्द प्रोत्साहित किया जाएगा। और जो खाका तैयार किया जा रहा है कि स्वयं सहायता समूह जो समूह है उनको बढ़ावा मिले, किस तरीके से अपना जो कार्य है वो पूरी तरीके से कर पाए और उनको और क्या कुछ अच्छी फैसिलिटी मिले सरकार की तरफ से, इसको लेकर अब तैयारी की जा रही है। नवीन, इस पर महिला स्वयं सहायता समूह की तरफ से क्या प्रतिक्रिया सामने आ रही है, क्योंकि बहुत बड़ी सौगात उन्हें मिलने वाली है? जी, निश्चित तौर पर जो महिलाएं हैं उत्तराखंड की, तमाम सारी महिलाओं में खुशी का माहौल है, उनको सरकार द्वारा यह प्रोत्साहन जल्द ही मिलने वाला है, यह सौगात मिलने जा रही है। सरकार पूरी तरीके से कदम उठाया है कि महिलाओं को बढ़ावा दिया जाए, उनके जो स्वयं सहायता समूह है उनको बढ़ावा दिया जाए, तो महिलाओं में भी खुशी का माहौल है। जो महिलाएं हैं जो स्वयं सहायता समूह चला रही हैं, उनसे जुड़ी जो महिलाएं हैं उनका साफ तौर पर यही कहना है कि सरकार ने आखिर भले ही लेकिन हमारे बारे में सोचा, और जो आज इसका नतीजा है कि सरकार पूरी तरीके से जी, और जो स्वयं सहायता समूह है उनके वो महिलाएं भी, उनमें भी खुशी का माहौल है कि जल्द से जल्द हमें सौगात मिलेगी। और जो काम है, जो छोटे छोटे उद्योग जो काम किए जाते हैं उसमें काफी राहत मिलने की संभावना भी जताई जा रही है। खाका तैयार किया जा रहा है, सरकार द्वारा जल्द ही इसका ऐलान भी किया जाएगा। लेकिन क्या नवीन, आगामी विधानसभा चुनाव होने हैं, क्या ऐसे में इसे राजनीति से जोड़कर देखा जाए तो क्या मायने इसके निकलते हैं? जी, चुनाव को जोड़कर दे सकते हैं, लेकिन कोविड काल चल रहा था, तमाम सारे व्यापार जो थे वह पूरी तरीके से ठप थे, इसके साथ ही जो व्यवस्थाएं थी वह दुरुस्त नहीं हो पा रही थी। अब धीरे धीरे जब कोविड के मामले कम हो रहे हैं तो सरकार भी जो आम जनता है, आम पब्लिक के लिए काम कर रही है, स्वयं सहायता के लिए काम कर रही है, पर्यटन के लिए काम कर रही है, तो सरकार का साफ तौर पर यह कहना है कि जो व्यवस्थाएं पटरी पर से उतर गई थी उसे पटरी पे लाने का काम किया जा रहा है, तमाम सारी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का काम किया जा रहा है, स्वयं सहायता समूहों को बढ़ावा दिया जा रहा है, तो ये व्यवस्था की जा रही है। इसके साथ ही पर्यटन के लिए भी सरकार ने जो 200 करोड़ का पैकेज दिया, तो कहीं ना कहीं सरकार अब जो आम लोग हैं, आम युवा हैं और जो आम जनता है, जो पर्यटन से जुड़े लोग हैं, इसके साथ ही जो स्वयं सहायता से जुड़े लोग हैं या तमाम सारे कार्यों में जो लगे लोग हैं, उनको अब राहत पैकेज देने की बात सरकार ने की है। इसके साथ ही
स्वयं सहायता समूहों को बढ़ाने की बात भी सरकार कर रही है कि महिलाओं को आगे बढ़ाया जाए, स्वयं सहायता समूहों को आगे बढ़ाया जाए, जिससे कि क्योंकि सहायता समूह ऐसे होते हैं कि जिसमें एक महिला द्वारा संचालित किया जाता है लेकिन उसमें तमाम सारी महिलाएं भी शामिल होती हैं, तो कहीं ना कहीं उनको भी रोजगार का साधन मिलता है। तो सरकार का साफ तौर पर यह कहना है कि हम स्वयं सहायता समूहों को बढ़ावा देंगे। ठीक है नवीन, तमाम जानकारी आपने देखी किस तरीके से महिलाओं को बड़ी सौगात मिलने जा रही है उत्तराखंड में, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आगे रुख करते हैं, आपको बता दें कि उत्तराखंड में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का उत्तराखंड दौरा है। इस वक्त की बड़ी जानकारी सामने आ रही है, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का उत्तराखंड दौरा। जेपी नड्डा 20 और 21 अगस्त को उत्तराखंड में रहेंगे। बड़ी जानकारी इस वक्त की, देहरादून के साथ साथ हल्द्वानी का भी दौरा रहेगा। आपको बता दें कि हल्द्वानी का दौरा भी रहेगा, साथ ही विधानसभा चुनाव को लेकर दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। आगामी विधानसभा चुनाव होने हैं 2022 में, ऐसे में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का ये दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। 20 और 21 अगस्त को उत्तराखंड दौरे पर रहेंगे जेपी नड्डा, और देहरादून के साथ साथ हल्द्वानी का दौरा भी करेंगे। माना जा रहा है कि बेहद अहम ये दौरा रहेगा क्योंकि आगामी विधानसभा चुनाव के समय बहुत कम बचा है, ऐसे में तमाम कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी कर सकते हैं और कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी भी सौंप सकते हैं। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं कि 20 और 21 अगस्त को जेपी नड्डा उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे और तमाम अधिकारियों के साथ बैठक भी होगी, चर्चा की जाएगी, रणनीति भी बनाई जाएगी आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कि एक बार फिर से सत्ता में कैसे वापसी की जाए, क्योंकि 2022 में आगामी विधानसभा चुनाव है और समय बेहद कम बचा है। ऐसे में अब राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का उत्तराखंड दौरा बेहद अहम माना जा रहा है विधानसभा चुनावों को देखते हुए। आपको बता दें कि देहरादून के साथ साथ हल्द्वानी का दौरा भी रहेगा। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का उत्तराखंड दौरा, ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। दरअसल आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। आपको बताते हैं कि देहरादून के साथ साथ हल्द्वानी में भी जेपी नड्डा का दौरा रहेगा और तमाम लोगों को साधने की कोशिश भी करेंगे। तमाम जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो चीफ उत्तराखंड से धीरेन्द्र प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। धीरेन्द्र, अब जिस तरीके से उत्तराखंड का दौरा है जेपी नड्डा का, क्या लगता है कि विधानसभा चुनावों को रणनीति को और धार देने वाले हैं अब जेपी नड्डा? तो सोनिका देखिए, चुनावी साल चल रहा है और बिल्कुल बीजेपी चुनाव के मूड में है, चुनावी तैयारियों के साथ वो मैदान में बाकायदा उतर गई है। और आप देखिए अभी 20-21 को ही 16-17 को गृह मंत्री अमित शाह का यहाँ दौरा लगा था, उन्हें मसूरी जाना था और उसके बाद चाइना बॉर्डर पर भी जाना था लेकिन किन्हीं कारणों से उनका दौरा रद्द हो गया। लेकिन 20-21 को जेपी नड्डा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है बीजेपी के, 2017 में जो चुनाव प्रभारी थे इस राज्य के, उनका दौरा लगा है और खासकर वो सांगठनिक मामलों में काफी तेज तर्रार माने जाते हैं और हिमाचल उत्तराखंड की उनको गहरी समझ है क्योंकि वो हिमाचल से आते हैं। भले उन्होंने अपनी राजनीतिक करियर की शुरुआत बिहार में की लेकिन हिमाचल और उत्तराखंड को बेहद गहराई से समझते हैं जेपी नड्डा, और इसीलिए उनका जो दौरा है न केवल गढ़वाल बल्कि कुमाऊं में भी लगा है, मतलब वो देहरादून भी आएंगे और हल्द्वानी भी जाएंगे। तो इस तरह से आप देख सकती हैं कि जो बीजेपी है चुनावी रणनीति के साथ मैदान में उतर चुकी है और उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यक्रम है। इसके बाद लगातार नवंबर तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी यहाँ आने की पूरी संभावना है। तो आप देख सकती हैं कि जो बीजेपी है वो पूरी तरह से अपनी चुनावी रणनीतियों को अंजाम देने में जुट गई है। धीरेन्द्र, देखा जा रहा है कि बीजेपी इस वक्त उत्तराखंड में कुमाऊं क्षेत्र पर पूरा फोकस कर रही है, तो क्या जेपी नड्डा का भी फोकस कुमाऊं क्षेत्र पर रहेगा अपने दौरे के दौरान? अब बिल्कुल देखिए, इसीलिए शायद कुमाऊं क्षेत्र के महत्व को देखते हुए ही उनका जेपी नड्डा का जो दौरा है वो इस बार कुमाऊं भी लगा, यानी गढ़वाल के साथ साथ उन्हें कुमाऊं मंडल में भी जाना है और वहां के कार्यकर्ताओं में भी नई जान फूंकनी है, नई ऊर्जा का संचार करना है। इसके साथ ही आप देखिए कि कुमाऊं मंडल का महत्व कितना है, इसका एक बड़ा उदाहरण आपके सामने पुष्कर सिंह धामी है जो स्वयं कुमाऊं मंडल से आते हैं। तो इस तरह समझ सकती है कि क्योंकि हरीश रावत कांग्रेस के चुनाव कैंपेन कमेटी के प्रमुख बनाए गए हैं, यानी जो चुनाव कैंपेन कमेटी का प्रमुख होता है वो प्रायः मुख्यमंत्री का दावेदार भी अनौपचारिक रूप से माना जाता है। तो पूरी तरह से बीजेपी को लगता है कि कांग्रेस के हरीश रावत की काट अगर करनी है तो कुमाऊं मंडल को इग्नोर नहीं किया जा सकता, इसीलिए शायद गढ़वाल के साथ साथ कुमाऊं मंडल पर विशेष ध्यान बीजेपी दे रही है। और क्या क्या कार्यक्रम रहने वाला है धीरेन्द्र, और क्या जानकारी आपके पास? बिल्कुल, नड्डा का जो कार्यक्रम है वो 2 दिवसीय कार्यक्रम है और काफी सघन और काफी बिजी रहेंगे। इस दौरान वो बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग करेंगे, सोशल मीडिया की जो उनकी सोशल आर्मी जिसे कहते हैं उसके साथ भी उनका संवाद स्थापित होगा।
इसके साथ ही तमाम जो कार्यकर्ता हैं उनको जीत का मंत्र देंगे। बड़े पदाधिकारियों के साथ साथ बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं से जेपी नड्डा मुलाकात करेंगे और न केवल गढ़वाल बल्कि कुमाऊं रीजन के भी जो कार्यकर्ता हैं उनसे भी मुलाकात करेंगे और उन्हें जीत का मंत्र देंगे। विस्तृत जानकारी अभी बीजेपी उनके दौरे की जारी नहीं की है, वो बताएगी कि क्या क्या कार्यक्रम उनके रहने वाले हैं। एक दो दिन में शायद ये भी सामने निकल के आ जाए उनका। ठीक है धीरेन, तमाम जानकारी आपने हम तक पहुंचाई कि आखिर किस तरीके से दीप नड्डा का दौरा रहने वाला है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो उत्तराखंड की राजनीति का आपको बता रहे थे अगर किस तरीके से रणनीति बनाई जा रही है आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर। अब राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के जेपी नड्डा भी पहुंच रहे हैं और तमाम रणनीति बनाई जाएगी 2022 को लेकर के। आगे रुख करते हैं उत्तराखंड में, आपको बता दें कि डेंगू के मामले सामने आने लगे हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी सामने आई है कि डेंगू के 3 मामले आने के बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड में आ गया है। देहरादून जिले में डेंगू के मरीजों के इलाज के लिए तैयारियां भी तेज हो गई है। ये बड़ी जानकारी देहरादून की आपको बता दें उत्तराखंड से। 111 बेड की व्यवस्था भी की गई है, अस्पतालों में तमाम प्रबंध भी कराए जा रहे हैं, अस्पतालों में आइसोलेशन वार्ड तैयार किए गए हैं। डेंगू के मरीज सामने आते ही इस वक्त स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड में आ गया है। इस वक्त आपको बता दें कि डेंगू के 3 मामले सामने आ गए हैं, एक और कोरोना का खतरा और दूसरी ओर डेंगू के मामले सामने आने लगे हैं उत्तराखंड में। 111 बेड की व्यवस्था की जा रही है, की गई है अस्पतालों में, और साथ ही साथ आइसोलेशन वार्ड भी तैयार किए जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड में आ गया है, 3 मामले सामने आ गए हैं और आगे किसी तरह की लापरवाही ना हो जाए ऐसे लेकर स्वास्थ्य विभाग फौरन अलर्ट मोड में नजर आ रहा है। प्रशासन तमाम व्यवस्थाएं कर रही है, हालांकि 3 मामले डेंगू के सामने आ गए हैं और स्वास्थ्य विभाग लगातार अलर्ट मोड पे है। आपको बताते चलें कि देहरादून जिले में डेंगू के मरीज के लिए तैयारियां भी तेज कर दी गई हैं। 111 बेड की व्यवस्था के साथ साथ अस्पतालों में आइसोलेशन वार्ड भी तैयार कर दिए गए हैं। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की सामने आ रही है उत्तराखंड से। डेंगू के 3 मामले सामने आ गए हैं और इस वक्त मामले सामने आते ही तमाम अस्पतालों में प्रबंध किए जा रहे हैं। हमारे संवाददाता धनराज गर्ग हमारे साथ जुड़ गए तमाम जानकारी के साथ। धनराज, एक और कोरोना का खतरा और अब डेंगू के मामले भी उत्तराखंड में सामने आ रहे हैं, क्या कुछ जानकारी आपके पास, किस तरीके से व्यवस्थाएं की जा रही हैं अब अस्पतालों में? जी सोनिका, बिल्कुल, जिस तरीके से कोरोना के मामले लगातार अब कम होने लगे हैं, लेकिन वहीं अब डेंगू ने भी अपनी दस्तक उत्तराखंड में दे दी है कि कल ही 3 मामले देहरादून में निकले हैं, जिसमें तमाम स्वास्थ्य विभाग जिसके बाद अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है और तमाम अस्पतालों में जो है व्यवस्था करने की जो तैयारियां हैं वो शुरू कर दी गई हैं। वहीं यदि बात करें डेंगू के जो मरीज हैं उनकी जो आइसोलेशन बेड हैं वो अलग से बनाए गए हैं, आइसोलेशन वार्ड अलग से बनाए गए हैं और साथ ही 111 बेड लगाने की बात प्रशासन लगातार कर रहा है कि 111 बेड डेंगू के मरीजों के लिए लगाए जाएंगे, पूरी लगाए गए हैं। और जिस तरीके से देखा जाए कि अलग अलग अस्पतालों में 111 बेड लगाए गए हैं, जिसमें चक्रोता, विकास नगर और आपका देहरादून भी में भी ये बेड लगे हैं। जी और डेंगू के मामले जिस तरीके से आ रहे हैं धनराज, एक और कोरोना खतरा, तो क्या लगता है कि खतरा और बढ़ने का संकेत है? जी बिल्कुल सोनिका, जिस तरीके से डेंगू के मामले देखे तो जिस तरीके से अब डेंगू के मामले सामने आ रहे हैं, आपको बताते चले कि जिस तरीके से पिछली बार कोरोना अपने चरम पर था लेकिन डेंगू का एक भी मामला सामने नहीं आया था, लेकिन इस बार एक बार फिर डेंगू के मामले सामने आने लगे हैं, तो कहीं ना कहीं इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है और आगे लगता है कि जिस तरीके से डेंगू के मामले सामने आए हैं तो अब आगे और भी मामले इसमें बढ़ सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से मौसम बदल रहा है तो कहीं ना कहीं मौसम का जो असर है वो इस पर पड़ता जा रहा है, क्योंकि ये जो डेंगू का मच्छर है ये कहीं ना कहीं साफ पानी में, ठहरे हुए पानी में होता है, जिसके लिए स्वास्थ्य विभाग लगातार काम भी कर रहा है। और वही नगर निगम की बात करें तो नगर निगम भी जो है सफाई कार्यों में जुट चुका है और साफ तौर पर एक जागरूकता अभियान भी नगर निगम की तरफ से चलाया जा रहा है। नगर निगम के जो अधिकारी हैं उनका साफ तौर पर यही कहना है कि जो डेंगू की बीमारी है इसको कहीं ना कहीं इससे बचने के लिए जो घर के कूलर हैं या फिर ठहरा हुआ पानी है जहाँ पर कहीं पर भी पानी जमा ना होने दे, क्योंकि ये जो मच्छर डेंगू का होता है कहीं ना कहीं जो ठहरा हुआ पानी होता है, साफ पानी होता है, उसी में ये पैदा होता है और जिसके बाद ये मामले बढ़ते हैं। तो वहीं नगर निगम ने भी अब जागरूकता अभियान शुरू कर दिया है, घर घर जाकर वो जागरूक लोगों करने की बात कर रहे हैं, पैम्पलेट छापने की बात लगातार की जा रही है, कहीं ना कहीं प्रचार प्रसार इसका लगातार किया जा रहा है। जी सोनी, धनराज, इस तरीके से आपने कहा कि जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, तो क्या लोग आपको सतर्क नजर आ रहे हैं, क्योंकि लोगों का जागरूक होना बेहद जरूरी होता है? जी बिल्कुल सोनिका, जिस तरीके से यदि जनता की बात करें तो जब नगर निगम की टीम जनता के द्वार पहुंचती है और उनको जागरूक करने की बात करती है तो कहीं ना कहीं जरूर उन पर असर पड़ता है और वो जरूर जागरूक होते हैं, क्योंकि जिस तरीके लोगों के घरों में कूलर होते हैं तो कहीं ना कहीं उसमें ठहरा हुआ पानी होता है और ऐसे में कहीं ना कहीं डेंगू का जो मच्छर है वो पनपने की उम्मीद
जगी रहती है। वही आपको ये भी बताते चले कि जब नगर निगम की टीम लोगों के घर पहुंचती है तो कहीं ना कहीं तमाम जानकारी आती है कि किस तरीके से डेंगू फैल रहा है और प्रशासन भी अलर्ट मोड पे है, स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट मोड पे है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आगे रुक करते हैं, आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी जानकारी आ रही है कि नैनीताल सहित 3 जिले कोरोना फ्री हो सकते हैं। ये बड़ी जानकारी उत्तराखंड से, आपको बता दें उत्तराखंड में आज 18 पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। ये 24 घंटे के आंकड़े आपको बता रहे हैं और उसी के साथ नैनीताल, अल्मोड़ा और टिहरी जल्द ही कोरोना मुक्त हो सकते हैं। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। एक्टिव मरीजों की संख्या महज 463 रह गई है। एक्टिव मरीज भी बेहद कम हो गए हैं और कोरोना के आंकड़े भी बेहद कम होते जा रहे हैं। उत्तराखंड की बात करें तो नैनीताल सहित 3 जिले अब कोरोना फ्री हो सकते हैं। ये स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी जानकारी सामने आ रही है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से अपडेट मामले आपको बता दें, 18 पॉजिटिव मामले मिले हैं और कहा जा रहा है कि नैनीताल, अल्मोड़ा और टिहरी जल्द ही कोरोना मुक्त हो सकते हैं। राहत भरी खबर सामने आ रही है क्योंकि उत्तराखंड में हालात बेहद सामान्य होते चले हैं। अगर बात मौत की करते हैं तो एक भी मौत उत्तराखंड में बीते कई दिनों से नहीं हुई। जिस तरीके से वैक्सीनेशन अभियान उत्तराखंड में लगातार तेज हो रहा है, वैक्सीनेट किया जा रहा है उत्तराखंड वासियों को, कहीं ना कहीं प्रशासन को कामयाबी भी हासिल हो रही है। उत्तराखंड में लगातार मामले कम होते जा रहे हैं। वहीं नैनीताल सहित 3 जिले कोरोना फ्री भी हो सकते हैं, जिनमें नैनीताल, अल्मोड़ा और टिहरी जल्द ही कोरोना मुक्त हो सकते हैं। ये जानकारी सामने आ रही है। प्रशासन लगातार लोगों से अपील भी कर रहा है कि जिस तरीके से उत्तराखंड में कोरोना सामान्य हो रहे हैं उसे में कोई किसी तरह की लापरवाही ना करें, क्योंकि अगर लोग जागरूक होंगे तो मामले बेहद कम होंगे। हमारे संवाददाता संचित शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। संचित, जिस तरीके से कहा जा रहा है कि नैनीताल कोरोना मुक्त होने वाला है, तो क्या वाकई ऐसा है? क्या देख रहे हैं आप इसके पीछे? देखिए सोनिका, मैं आपको बता दूं कि आप देखें कि उत्तराखंड के अंदर जिस तरीके से लगातार कोरोना की रफ्तार जो कम होती नजर आ रही है, उसमें अगर जिले वाइज बात करें तो नैनीताल और टिहरी जिले की अगर बात करें तो आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से वहाँ पे केसेस की, एक्टिव केसेस की संख्या की अगर बात तो लगातार वहाँ कम होते नजर आ रहे हैं। जिसको देखते हुए जो स्वास्थ्य विभाग है, स्वास्थ्य महकमा है, उन्होंने डिसाइड किया है कि क्या बोलते हैं उसको, इनको कोरोना फ्री घोषित किया जाए। उसको देख करके लगातार जो कोरोना की टीम है, जो कोरोना नोडल अफसर है, वो लगातार काम कर रहे हैं। देखते हुए जो कोरोना के केसेज है वो फिलहाल उत्तराखंड के जो इन जिलों की बात करें, जिले वाइज बात करें तो कम होते हुए, इसलिए कोरोना फ्री जिले घोषित करने के लिए सरकार तैयारी कर रही है। संचित, इस तरीके से वैक्सीनेशन अभियान उत्तराखंड में तेजी आई है, कहा जा सकता है कि एक असर उसका हो रहा है उत्तराखंड में? जी देखिए सोनिका, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से वैक्सीनेशन की आपने बात करी, तो आप देखिए जो उत्तराखंड के 662 वैक्सीनेशन केंद्र है, प्रतिदिन की अगर बात करें तो करीब 1,00,000 लोगों को लगातार वहां पर वैक्सीन लग रही है। और जो उत्तराखंड को स्वास्थ्य सिंह रावत के रूप में, तो आप देख सकते हैं उन्होंने भी एक लक्ष्य लिया है कि दिसंबर तक उत्तराखंड को, पूरे उत्तराखंड को फर्स्ट डोज वैक्सीनेशन कर दिया जाए। इसको लेकर के लगातार सरकार तैयारी में, और वैक्सीनेशन सेंटरों पे जिस तेजी से वैक्सीनेशन का काम चल रहा है, तो उससे लगता है कहीं ना कहीं उत्तराखंड कोरोना से मुक्त होगा। और जो तीसरी लहर आने की आशंका है, उसमें भी कहीं ना कहीं ये वैक्सीनेशन जो उत्तराखंड को किया जा रहा है, वो कहीं ना कहीं बहुत प्रभावी नजर आएगा। जिस तरीके से नैनीताल का हम जिक्र कर रहे हैं संचित, तो नैनीताल है, पर्यटक भी जाते हैं वहाँ घूमने के लिए, तो पर्यटकों के लिए अब क्या कुछ व्यवस्थाएं वहाँ देख रहे हैं, क्योंकि नैनीताल अब कोरोना मुक्त होने वाला है? देखिए सोनिका, मैं आपको बता दूं कि आपने जिस तरीके से बोला मेरे को और बताया कि उत्तराखंड में जो नैनीताल है वो पर्यटक स्थल माना जाता है। और आप देखिए लगातार जिस तरीके से कोरोना की दूसरी जो वेव आई थी उसकी रफ्तार कम होते, जो पर्यटकों का रुझान था वो नैनीताल की तरफ बढ़ा। नैनीताल में जिस तरीके से भीड़ हुई और प्रशासन ने उस पर अलर्ट मोड पे रहते हुए लगातार जिस तरीके से वहां पर कार्रवाई करी, लोगों को वापसी लौटाया, तो उसमें अब देख सकते हैं कि उसका एक सीधा उदाहरण नजर आ रहा है कि अब नैनीताल कोरोना मुक्त होने जा रहा है। जो प्रशासन की मुस्तैदी थी कहीं ना कहीं उसी का एक नतीजा माना जा सकता है कि नैनीताल अब कोरोना मुक्त हो जाएगा। और साथ ही साथ बात करें उत्तराखंड में जिस तरीके से बाहर के पर्यटक उत्तराखंड के अंदर आते हैं, तो उसको रोकने के लिए जो पुष्कर सिंह धामी ने जिस तरीके से कावड़ पर रोक लगाई, कावड़ यात्रा पर रोक लगाई, तो आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं जिस तरीके से सरकार एक प्रभावी कदम कोरोना को रोकने के लिए उठा रहे हैं, उसको देखते हुए जिस तरीके से आज नैनीताल कोरोना मुक्त की लिस्ट में आया, तो धीरे धीरे पूरा उत्तराखंड कोरोना मुक्त की लिस्ट में आएगा। और ये एक सराहनीय कदम पुष्कर सिंह धामी सरकार का होगा। संचित, लोगों में किस तरीके से आप जागरूकता अब देख पा रहे हैं, क्योंकि हालात बेहद सामान्य हो गए हैं? देखिए जिस तरीके से धीरे धीरे कोरोना के हालात सामान्य होते नजर आ रहे हैं, तो उसको देखते हुए जो बीच में मार्केट को देख करके अगर बात करें, तो मार्केट में जिस तरीके की लापरवाही लोगों ने बरती,
मास्क ना लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग ना मेंटेन करना, उसका कहीं ना कहीं एक माना जा सकता है कि जिस तरीके से काफी टाइम से बाजार बंद थे और कोरोना में थोड़ी ढील होते ही लोगों ने मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग धीरे धीरे कम कर दिया। ठीक है संजय, तमाम जानकारी आपने देखी किस तरीके से उत्तराखंड के कई जिले इस वक्त कोरोना मुक्त होने वाले हैं, बड़ी जानकारी सामने आई थी, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी तक पहुंचाने के लिए। इसी बीच बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उत्तराखंड में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। आपको बता दें 5 जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट भी जारी किया गया है। देहरादून, नैनीताल, बागेश्वर, चंपावत, पिथौरागढ़ में भारी बारिश होगी, मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है। साथ ही आकाशीय बिजली गिरने की भी संभावना जताई गई है। मौसम विभाग लगातार अलर्ट जारी कर रहा है उत्तराखंड में और कहा गया है कि 5 जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। साथ ही आकाशीय बिजली गिरने की भी संभावना जताई गई है और ये 5 जिले हैं देहरादून, नैनीताल, बागेश्वर, चंपावत, पिथौरागढ़। तो इस मौसम विभाग लगातार चेतावनी भी जारी कर रहा है और साथ ही साथ कहा जा रहा है कि लोगों से अपील की जा रही है घर से बाहर निकलने से बचें क्योंकि भारी बारिश के साथ आकाशीय बिजली गिरने की भी संभावना है। लगातार प्रशासन भी अलर्ट मोड में है, प्रशासन भी लोगों से अपील कर रहा है कि पहाड़ी क्षेत्रों में जाने से बचे या बेवजह घरों से बाहर निकलने से बचे क्योंकि लगातार जिस तरीके से उत्तराखंड में बारिश का दौर चल रहा है ऐसे में भूस्खलन भी उत्तराखंड में देखा जा रहा है और सड़कों पर इस वक्त जल भराव हो गया है भारी बारिश के चलते। ऐसे में अगर आप घर से बाहर निकलते हैं तो बेहद सतर्क होकर बाहर निकले। लगातार उत्तराखंड का मौसम करवट ले रहा है, बीते कई दिनों से हल्की बारिश के बाद एक बार फिर से तेज बारिश उत्तराखंड में देखी जा रही है। हमारी संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गई है विशाखा चौधरी। विशाखा, उत्तराखंड में मौसम एक बार फिर से करवट लेने जा रहा है, मौसम विभाग ने कहा है कि भारी बारिश उत्तराखंड में होने वाली है, क्या कुछ इस वक्त मौसम विभाग और कुछ कह रहा है और इस वक्त मौसम कैसा है उत्तराखंड का? जी बिल्कुल सोनिका, फिलहाल हम बात करें राजधानी देहरादून की तो राजधानी देहरादून में भी बीती रात से लगातार बारिश हो रही है और जिस तरीके से मौसम विभाग ने जो 5 जिले हैं उनके लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है जिसमें राजधानी देहरादून, पिथौरागढ़ और जो बागेश्वर है वो शामिल है और इन सभी जिलों में फिलहाल भारी बारिश की जो संभावनाएं हैं वो मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है। भारी बारिश के चलते जो कई राजमार्ग है वो भी बंद है, फिलहाल बद्रीनाथ हाईवे जो है वो भी मलबा आने से बंद है, कई मीटर जो सड़कें हैं वो भारी बारिश की वजह से क्षतिग्रस्त हो गई है। इसी के साथ साथ जो यमुनोत्री गंगोत्री हाईवे है वो भी फिलहाल भारी बारिश के चलते बंद रखा गया है क्योंकि कहीं ना कहीं जो भारी बारिश के चलते सड़कों को भी जो क्षति हुई है और उसके बाद जिस तरीके से लोगों की जो आवाजाही है वो लगातार जारी है उसको लेकर प्रशासन के द्वारा इन राजमार्गों को फिलहाल बंद रखा गया है ताकि बारिश के चलते इन राजमार्गों पर कोई दुर्घटना सामने ना आए। जी तो विशाखा, जिस तरीके से आपने जानकारी दी कि सड़कें इस वक्त बंद है, लोगों को भी बेहद परेशानी हो रही है, तो क्या कितनी चुनौतियां आप लोगों के बीच इस वक्त देख पा रही हैं? जी बिल्कुल सोनिका, देखिए जिस तरीके से फिलहाल लगातार बारिश राज्य में है तो कहीं ना कहीं जो लोगों के काम है वो भी उस पर भी असर पड़ता है और जो रोजमर्रा जिंदगी है उस पर भी फर्क पड़ता है। जिस तरीके से पहाड़ी जिलों में लगातार बारिश है तो पहाड़ी लोगों के लिए खासतौर पर यह जो मानसूनी बारिश है इसके चलते काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उनकी जो दिन प्रतिदिन की जो काम है उनमें बारिश की वजह से कई बाधाएं डलती हैं। जिस तरीके से पहाड़ी जिलों को जोड़ने वाले जो मैदानों से जो रास्ते हैं वो बंद हो गए हैं जिनके चलते जो पहाड़ में जो लोग रहते हैं उनके रोजगार के जो साधन हैं चाहे वो यहाँ से पहुंचने वाली सुविधाएं हो या जो तमाम चीजें हैं उन पर भी असर पड़ता है और पहाड़ी जिलों का संपर्क एक तरीके से जो जिले ज्यादा दूर हैं या जिनसे एक तरीके से संपर्क टूट जाता है जो मैदानी जिले हैं उनसे और कई जो चीजें हैं वो सामने आती हैं, कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, कई जरूरत की जो चीजें हैं वो उन तक नहीं पहुंच पाती चाहे मेडिकल फैसिलिटीज से जुड़ी चीजें हो या फिर रोजमर्रा की जो चीजें हो। जी विशाखा, निचले इलाकों में व्यवस्था कितनी दुरुस्त आप देख रही हैं क्योंकि भारी बारिश के बाद निचले इलाकों पर असर देखा जाता है? जी बिल्कुल सोनिका, अगर हम मैदानी जिलों की बात करें, निचले जिलों की बात करें तो जलभराव की एक बड़ी समस्या सामने आती है और हर बारिश के बाद यह समस्या खड़ी होती है और जिस तरीके से लगातार बारिश हो रही है उसके तहत लगातार चलती बारिश के जिस तरीके से भारी बारिश के बाद सड़कों पर जलभराव हो रहा है, जल निकासी की कई क्षेत्रों में व्यवस्था नहीं है, जिन लोगों के पास कच्चे मकान है या जो लोग सड़क पर रहते हैं उन लोगों के लिए बड़ी मुश्किल है और मैदानी जिलों में जिस तरीके से ये जो बारिश का फिलहाल समय चल रहा है कई दुर्घटनाएं भी सामने आती हैं चाहे वो गड्ढों में वाहन गिरने से हो या फिर
आवाजाही के चलते जिस तरीके से मार्ग जो है वो निषेध होते हैं, चाहे वो ट्रैफिक जाम हो, ये सभी समस्याएं जो है वो मैदानी जिलों में भी देखने को मिली। ठीक है विशाखा, तमाम जानकारियां देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो हमारी संवाददाता जानकारी दे रही थी कि उत्तराखंड में जिस तरीके से भारी बारिश लगातार हो रही है, किस तरह की समस्याएं लोगों के सामने बन रही है, जीवन एक चुनौतीपूर्ण हो चला है इस वक्त उत्तराखंड वासियों का। तो इस बुलेटिन में इतना है, देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज। नमस्कार।